हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं बाइनेंस की बात करूंगा और बाइनेंस के अंदर सुई का प्रमोशन चालू हो चुका है, सुई लॉन्च होने वाला है और हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें और हमको फ्री में सुई कैसे मिल सकता है उसके बारे में बात करूंगा। उसके पहले मार्केट का हालचाल। मार्केट अभी माइनस में, ओनली BNB प्लस, क्योंकि सुई अनाउंस हुआ है और उसके लिए हमको BNB चाहिए और TUSD चाहिए। बाइनेंस ने अपना जो स्टेबल कॉइन था BUSD उसको लात मार के अभी TUSD जो ट्रॉन का स्टेबल कॉइन है उसको एक्सेप्ट लगा है। तो ये देखने वाली बात होगी बाइनांस के लिए, अपना कॉइन को छोड़ रहा है और दूसरे को कॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं कहां पे, लॉन्च पेड के अंदर। लॉन्च पेड के अंदर सुई को हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमारे पास पहले से BNB पड़े हुए तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर नहीं है तो आप खरीद के मत करना, क्योंकि अभी खरीदोगे तो हाई प्राइस में खरीदोगे, जैसे ही ये 2 दिन के अंदर खत्म होगा फिर BNB माइनस में चला जाएगा तो आपको वैसे लॉस हो जाएगा। इसलिए आपके पास ऑलरेडी BNB पड़े हैं या तो TUSD स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें कुछ भी आपको अमाउंट मिलने वाला नहीं है। तो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं, अगर आपके पास पहले से बड़ा हुआ तो आप ऐसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुई इज अ डीप पोस, मतलब क्या हुआ, प्रूफ ऑफ स्टेक लेयर 1 ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन द मूव प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे आना है, तो सबसे फिर से दिखा दूँ आपको, लॉन्च पेड में आना है, ऐसे नीचे करोगे इन्फॉर्मेशन सेक्शन नीचे है, आपको दिखा दूँ लॉन्च पेड सेक्शन कहाँ पे, अन सेक्शन के अंदर लॉन्च पेड है, लॉन्च पेड क्लिक करना है बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दिन और 19 मतलब 2 दिन बाकी, मतलब तीन तारीख को सुई मेननेट लॉन्च होने वाला है, तब हर जगह सुई टोकन आ जाएगा। तो उसी में हमको 2 दिन का फार्मिंग पीरियड मिल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूल मिला वो BNB को मिला है। मतलब क्या, अगर हमारे पास BNB है तो हमको यहाँ पे ज़्यादा सुई टोकन मिल सकता है, क्योंकि उसके जो वैल्यू है अब देखते हो कुछ 3 करोड़ के आजू बाजू है, मे बी 3 करोड़ मेरे ख्याल से। ठीक है, और TUSD में थोड़ा कम दिया हुआ है पूल, तो वो भी आपको दिखा दूँ। TUSD के अंदर आप अगर देख सकते हो, अगर आपके पास TUSD है तो आप इसमें सिर्फ 80 लाख है, वहाँ पे 3 करोड़ 20 लाख है मे बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 करोड़ 20 लाख। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेक करना है, आपके पास इतना 0.1 से ज़्यादा BNB होना चाहिए उसके लिए, और TUSD के अंदर भी वही होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेक करना है। स्टेक करने के बाद नीचे आपको पूछेगा 2 दिन के लिए आपके जो भी हो गया उसको लॉक कर देना है, हर घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखा हुआ फार्मिंग पीरियड 2 डेज। ठीक है, एनुअल परसेंटेज यील्ड ये बाद में शायद डिसाइड होगा, APA विल बी अवेलेबल आफ्टर द टोकन इज लिस्टेड, ये टोकन लिस्ट होने के बाद होगा। और कितने दिन तक चलेगा, ओनली 2 दिन तक चलेगा। अरे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल 0 BNB है मेरे पास तो नहीं बता रहा, अगर जो आपके पास BNB होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेक कर सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से फ्री में अंदर सुई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सुई को आपको किस तरह लॉन्च पेड में पार्टिसिपेट करना है बाइनांस के अंदर। और जिसका वाइट लिस्ट में जो लोग अलाउ थे तो उन लोगों का टोकन सेल भी चालू हो चुका है, OKX पे, बायबिट पे, जहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये है मेरा बाइनांस का ये ऑलरेडी। ठीक है, OKX पे भी आप जाके जहाँ चेक करोगे, जहाँ स्प्लिट वो सुई का, तो उसको सबको अभी मिल चुका है, सुबह 6:30 बजे से चालू हो गया, सबको 1500 सुई मिलना जिसने पार्टिसिपेट किया था 1 फरवरी से पहले, जिसने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया था उसको 0.03 यानी $45 के अंदर 1500 सुई मिला हुआ है। ठीक है, तो जाके चेक कर सकते हो, जिसने ईमेल से पार्टिसिपेट किया था लोग जाके चेक कर सकते हो। हमारे जैसे लोग को OKX के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ा, वो भी 100 टोकन के लिए, और 100 टोकन भी हमको कब मिलेगा, 13 महीने के अंदर धीरे धीरे टोकन मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब सुई का टोकन की उसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहती है। मे बी मेरे ख्याल से होना चाहिए 0.5 से लेकर $1 तक, मेरी ये प्राइस प्रेडिक्शन है कि 0.5 से लेकर $1 तक सुई का प्राइस होना चाहिए। और जो सब लोग हो गए जिसने 1500 मिले हैं उनको एक साथ में मिलने वाले टोकन, तो वो सब एक साथ में सेल करेंगे तो उसमें सेलिंग प्रेशर भी आएगा, तो सेलिंग प्रेशर आएगा तब आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप लो लेवल पे 0.5 से नीचे अगर हमको टोकन देखने को मिलता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें। फिर जैसे ही धीरे धीरे टोकन बढ़ेगा, जैसे स्पेस आईडी के अंदर हुआ, पहले बहुत कम था फिर अचानक बढ़ गया, अरब टोकन के अंदर हुआ, और अपने सॉरी आर्बिट्रियम टोकन के अंदर हुआ, तो इस तरह आप सेलिंग प्रेशर जब आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है जो अच्छे प्रोजेक्ट है उसके अंदर, बाकी तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। ओके, थैंक यू गाइस, बस आपको यही दिखाना था बाइनांस लॉन्चपैड में कैसे पार्टिसिपेट करें। ओके, थैंक यू गाइस।